विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। अथ द्वितीय अध्याय आरंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियो, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं अति निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका सरलतम उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, ऐसा निश्चय करने पर उसी रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए